आज चटपटी मसाला कोकी बनाएंगे, कुरकुरी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इन्हें आप सुबह नाश्ते में बनाएं या शाम को स्नैक्स के रूप में खाएं, आपको हमेशा पसंद आएंगी। और इनकी सेल्फ लाइफ भी लंबी है। अगर आप कहीं जर्नी पर जा रहे हैं तो इन्हें साथ लेकर जाइए और बहुत मज़े से खाइए। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप गेहूँ का आटा, वजन में 250 ग्राम। इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसे मसल कर डालें और 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा और अजवाइन मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको भी थोड़ा सा मसल कर डालें। इसमें कुछ मोटी डंडियां हो तो उसे हटा दें। 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के घी, जमा हुआ है इसलिए 2 चम्मच घी। इसमें थोड़ा सा ज्यादा डलता है, घी की जगह आप मोयन के लिए ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ कैबेज डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। अगर आप अनियन पसंद करते हैं तो इसमें 1 मीडियम साइज की अनियन को बारीक काट लीजिए और वो भी डाल दीजिए। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लिया, अब डो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। कोकी का आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाया जाता, थोड़ा सा सख्त रखेंगे, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त। और इस आटे को बहुत ज्यादा मसलना नहीं है, बस इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है इसे। ये देखिए, ये डो पूरा इकट्ठा हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ कर देखें, एकदम ऐसा होना चाहिए। तो ये डो तैयार हो गया, देखिए नरम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और एकदम सख्त भी नहीं है। इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। 10 मिनट बहुत है, बहुत देर तक इसे रखने की जरूरत नहीं है। ये डो तैयार हो गया। इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी कोकी बना सकते हैं। ये हमारी लोइयां बन गई। बेलने के लिए चकला बेलन ले लिया, 1 टुकड़ा उठा लिया आटे का और इस तरीके से गोल कर लिया। थोड़ा सा हाथ से दबाकर बढ़ा भी दिया, ज्यादा नहीं, ये बढ़ गया। अब इसे तवे पर ले चलते हैं। तवा हल्का गर्म है, इस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और इस आटे को रख देंगे इसके ऊपर। हल्का सा इसे सेकना है। पलट लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल हल्की सी व्हाइट सी परत आई है, ब्राउन नहीं करना, बस ऐसा ही सेकना है, बिल्कुल हल्का। दूसरी ओर भी ऐसा ही हल्का सा सेक लेंगे। ये देखिए दूसरी ओर भी हल्की सी ब्राउन परत आ गई, ऐसा दोनों ओर सेक कर ले लिया है। इसे बेलना है अब, तो थोड़ा सा चकले पर गेहूं का आटा डाल दीजिए ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा सा हाथ से दबा लिया और फिर बेलन से हल्के हाथ से बेला। एकदम से दबा देंगे तो ये एकदम फट जाएगा। किनारों से दबाते हुए बेलें, बीच में से ना दबाएं। कोकी के किनारे थोड़े से फटे फटे ही बनते हैं, क्योंकि आटा इसी तरह का होता है। अगर किनारे स्मूथ आएंगे तो कोकी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह का आटा होना चाहिए उस तरह का आटा नहीं गुथा होगा वो। तो ये देखिए मैंने बेल कर इसे तैयार कर लिया। इसकी थिकनेस देखिए, मोटी है ये मोटी ही बेली जाती है। और ये कोकी आराम से उठाकर तवे पर डाल देंगे। बहुत आराम से उठानी है, क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है, तो थोड़ा सा संभालते हुए उठाना है। धीमी गैस पर ये सिक रही है। इसे हमने नीचे की ओर से 3 मिनट सेक लिया है और ऊपर भी हल्की सी डार्क दिखाई देने लगी है। इस ओर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और इसे पलट दीजिए। पलटने से पहले श्योर कर लें कि ये नीचे की ओर अच्छी तरीके से सिक गई हो, वरना क्या होता है ये पलटते में कई बार टूट जाती है। अगर ये नीचे से अच्छे से सिक जाएगी तो नहीं टूटेगी। तो मैं इसे पलटती हूँ, पलटे से बड़ी सावधानी से पलटे, ब्राउन ब्राउन सिक गई है, ऐसे ही सेक लें। और फ्लेम धीमी से थोड़ी सी ज्यादा है, इसे तेज फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर भी नहीं सेकना है, धीमी फ्लेम से थोड़ी सी ज्यादा या धीमी। इस और भी घी लगा दिया,
घी आप इसमें जितना लगाना चाहे लगा दीजिए। आप इसके अंदर जो चटकन देख रहे हैं ना, घी आप लगाएंगे उन चटकन में से घी इसके अंदर भरता जाता है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आपकी मर्जी है, घी थोड़ा सा कम लगाए या थोड़ा ज्यादा। और दूसरी ओर भी 2-3 मिनट सेक लिया, आप पलटते हैं। हाँ, दूसरी ओर भी बढ़िया से ब्राउन सीक गई। थोड़ा सा घी हम इस ओर और लगाएंगे, थोड़ी ड्राई ड्राई दिख रही है। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सीक कर तैयार है, इसे उतार लेते हैं। उतार कर आप इसे किसी जाली के ऊपर रख दें तो ये जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो अच्छी क्रिस्प हो जाएगी। और अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, संभाल कर उतारना है इसे। अब दूसरी कोकी सेकने के लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। एक बार इसे हल्का सा सेक लेते हैं, इसके ऊपर एक हल्की कुरकुरी सी परत आ जाती है, इससे कोकी ज़्यादा कुरकुरी बनती है। बहुत धीमे धीमे बढ़ाना है इसे, एकदम से नहीं बढ़ाना। इस तरीके से आप इसे हाथ से घुमा भी सकते हैं एक सा करते हुए। और अब इसे सावधानी से उठाकर सिकने के लिए डालिए। सारी कुकी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। ये सिकने वाली हो गई तो इसे आप किनारे पर थोड़ा सा खिसका दीजिए और दूसरी कुकी के लिए लोई बनाकर यहाँ पे सेक सकते हैं। और अगर तवा बड़ा है तो हम एक साथ 2-3 कुकी भी बना सकते हैं। एक कोकी को सिकने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। सिंधी मसाला कोकी बनकर तैयार है। कितनी मज़ेदार बनी है ये, और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, जब आप इसका डो बनाएं, थोड़ा सा सख्त बनाएं, उसे बहुत ज़्यादा मल मल के स्मूथ ना करें। बेलते समय थोड़ा सा मोटा बेलें और सेकते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें। आप बहुत ही अच्छी कोकी बनाकर तैयार करेंगे। आप इन्हें अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ या फिर इस आंध्रा स्टाइल आम के अचार के साथ परोसिए, बहुत अच्छी लगेंगी। इतनी अच्छी कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।